जो टीम है वो टेबल पर नंबर वन है, अगर उसको हराते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और दूसरी टीमें डरेंगी फिर, क्योंकि जो बॉटम पे होता है उससे हर कोई डरता है कि शायद हमें ना हरा दे, हमें ना हरा दे, क्योंकि आप बॉटम वाले से हारोगे तो आप भी बॉटम की तरफ ही चले जाओगे जी। और देखा जाए तो टीम में काफी बड़े खिलाड़ी हैं, थोड़ी अदला बदली हुई है, दे नॉट प्लेइंग पोलार्ड टुडे, दिस गॉट जेपी ड्यूमनी इनसाइड, जेपी ड्यूमनी इज देयर, ऑर्डर क्या होना चाहिए आज के गेम में? अरे मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और जेपी ड्यूमनी ये तीन या चार पर खेलने चाहिए, तो ये जितने ज्यादा और ये खेलेंगे उतने चांसेस ज्यादा हैं मुंबई इंडियन के ये मैच जीतने में। अगर कोई भी बाद में आता है इनमें से तो शायद फिर वो दबाव में खेलना पड़ेगा, तो टॉप फोर जो बल्लेबाज होते हैं किसी भी टीम के, चाहे मैं किसी भी टीम के प्लेयरों की बात करूँ, वो ऊपर आते हैं और वो रन बनाते तो वो मैच जिताते हैं। और चेन्नई की अगर बॉलिंग देखी जाए तो वहाँ पर चैंपियंस है, मैच विनर भाई गीता जी आई थी आज, तो भाई 5 विकेट बॉल चाहिए उनको भज्जी का, हैं जी आप क्या हाथ ला रहे हैं, आपको पता भी भजन कौन है? सिर भी ना लाओ, हाथ ना लाओ, ये कहीं मेरी तरह लोग तुमने स्टैचू तो नहीं बना के खड़े किए हुए, तुम कुछ मत खिलाओ खड़े तीन लोग। मुझे लगता है कि एक ही बॉलर है जो मुंबई इंडियन को परेशान कर सकता है, वो है ब्राव जी, क्योंकि वो एक इकलौते ऐसे गेंदबाज है जो शायद मुंबई इंडियन को परेशान करेंगे, क्योंकि उनकी जो वैरायटी है, जो स्लो बॉल्स है, क्योंकि वो खुद बैट्समैन, उन्हें मालूम है एक बैट्समैन को कैसे गेंदबाजी करनी है, बाकी और सब तो मैनेजेबल है। मुझे आपको एक सवाल पूछना था, जब आप क्रिकेट खेलते थे यू यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स व्हेन यू वर बैटिंग, कैन यू टेल मी व्हाई? जब मैं स्ट्रेस बस्टर था क्या? नहीं नहीं स्ट्रेस बस्टर तो नहीं, गाने इसलिए गाता था क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते कि इसको यहाँ छक्का मार दे, इसको वहाँ मार दे, तो उन सबको डिले करने के लिए, हटाने के लिए मैं गाने गाता था, क्योंकि जब आप गाना गाते हो तो आपको लिरिक्स पता होनी चाहिए और आपका माइंड जो है वो पूरा ध्यान रहता है लिरिक्स के ऊपर, और फिर आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप बोल देखो मारो, तो माइंड के हिसाब से वो कीप इट सिंपल हो जाता है कि आप गाने पे ध्यान रखो। मेरा ध्यान अगर मैं गाना गाऊं तो मेरा ध्यान हीरोइन की तरफ चला जाता है, मेरा लिरिक्स की तरफ नहीं जाएगा, ये है जैसे 1-2-3 गा रहा हूं तो मेरा माधुरी जी की तरफ चला जाएगा, ऐसा है मेरा, सॉरी आप करें क्रिकेट की बात करते हैं। पर वो एक ही गाना था जो वीरू बाजी गाते थे, एक ही गाना था ना वो आपका फेवरेट गाना, वो कौन सा गाना था? चला जाता हूं किसी की धुन में धड़कते दिल की, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने की, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने, मिलन की मस्ती तेरी आँखों से, मिलन की मस्ती तेरी आँखों से, ऊपर ही जाने का पूरा आइडिया हमारा। द प्रोफेसर इन द हाउस एंड सो इज राइडू, आपको बता दें ही इज द लीडिंग रन स्कोरर, ही हैज गॉट द ऑरेंज कैप ऑन हिज हेड एंड देयर यू गो, ही हैज गॉट 329 रन्स एवरेज, बेहतरीन 7 इनिंग्स में खेले हैं, और यादव एट 230 इज गोना बी प्लेइंग, सो दैट्स अ प्रीटी गुड सेट ऑफ पीपल, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी वहां पर जो रन बना रहे हैं इस टूर्नामेंट में, यू वांट टू सी रन स्कोरर्स। ऑलराइट, ऑन दैट नोट द प्लेयर्स आर आउट, इट्स टाइम वी टेक द एक्शन बैक टू द स्टेडियम, वी कांट प्रॉमिस यू के प्रोफेसर साहब यहां वापस आएंगे जब मैच खत्म होगा, आएंगे तो जाएंगे ही नहीं कहीं भी, यहीं रहेंगे प्रोफेसर साहब, चलिए यहीं रहेंगे, बचेंगे या नहीं ये नहीं पता हमें, लेकिन वी प्रे फॉर द प्रोफेसर, वी जस्ट प्रे फॉर हिम, प्रे फॉर हिज मेंटल हेल्थ, एंड ऑफ कोर्स यू गाइस कैन प्ले अलोंग, प्ले जियो क्रिकेट, प्ले अलोंग ऑन द माय जियो ऐप एंड विन अ हाउस इन मुंबई, कार्स एंड एक्साइटिंग ट्रिप्स टू यूके, मोर देन 6 million पीपल हैव प्लेड द गेम, प्लेड इट इटसेल्फ एंड वी हैव सम बिग प्राइजेस फॉर यू, शाइनी वेलकम टू द शो, एंड वीरू पाजी आप कह रहे हैं कि आज मुंबई का दिन लग रहा है, या 18.5 ओवर, 18.5 ओवर में मुंबई का दिन लग रहा है, होगा कि नहीं, ये देखिए लाइव एक्शन।